आधुनिक चिकित्सा के दौर में कम खर्चे में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला नूर हेल्थ केयर सेंटर, मंगल बाजार खजुरिया रोड अहरो नदीम खान के बारात घर स्कूल में, जहां पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार MBBS, डॉक्टर प्रीति स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कमर जनरल फिजिशियन, डॉक्टर शबनम स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि डॉक्टरों द्वारा नूर हेल्थ केयर सेंटर पर सेवाएं दी जा रही है। नूर हेल्थ केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कमर ने बताया कि हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, प्लास्टिक सर्जरी के टांकों द्वारा, प्रेगनेंसी के दौरान अत्यधिक अचानक से खून का बहना, मिसकराज आदि, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों का वजन का ना बढ़ना और मोमेंट का काम होना, बच्चेदानी का ऑपरेशन, रसौली का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन कम दामों पर किया जाता है। वही बढ़ी हुई औंत का ऑपरेशन, अपेंडिक्स, निसंतान महिलाओं का इलाज, फैमिली प्लानिंग संबंधी सलाह, ऑक्सीजन की सुविधा, प्राइवेट रूम की सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। वही डिलीवरी के बाद पेट पर आए निशान मिटाएं, प्रेगनेंसी के समय उल्टियों का अधिक हो जाना, गले के गदूद और पेशाब के गदूदों का सफल इलाज, कानों से ऊंचा सुना व कानों का बहना आदि का सफल इलाज, इसके अलावा टाइफाइड बुखार, मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हिचकी, एक्जिमा, सोराइसिस, दाग कील मुहासे, शुगर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, माइग्रेन, थायराइड, मोटापा, बच्चेदानी में गांठ, लीवर की सूजन, तिल्ली रोग, पथरी, नाखूनों का खराब होना आदि समस्त रोगों का नूर हेल्थ केयर सेंटर पर कम खर्चे में बेहतर इलाज किया जाता है। इसकी जानकारी देते हुए नूर हेल्थ केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कमर ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर कमर, मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर नूर हेल्थ केयर सेंटर, जिसका एड्रेस है अहरो जदीद नदीम खाके स्कूल में। डॉक्टर साहब, आपके नूर हेल्थ केयर सेंटर में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ जनरल IPD, OPD, गायनी और सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, जैसे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ, और इमरजेंसी केसेस भी यहाँ हैंडल किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अपने गायनी का कार्य कौन देखते हैं? गायनी की डॉक्टर प्रीति हैं हमारे यहाँ BUMS, और डॉक्टर शबनम हैं। तो किस तरह की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं? नॉर्मल कंडीशन में जितनी होती हैं उस तरह के पेशेंट हमारे यहाँ रोके जाते हैं, और हायर पेशेंट बाहर भेज दिए जाते हैं, यानी रेफर कर दिया जाता है। तो सब आपके नूर हेल्थ केयर सेंटर में कौन कौन से डॉक्टर कार्यरत हैं और ऑन कॉल सेवाएं कौन कौन से डॉक्टर देते हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार MBBS हमारे यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हैं, और जनरल IPD OPD उनके स्तर से देखी जाती है। ऑन कॉल कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं? ऑन कॉल में हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब, जो आपके यहाँ मरीज आते हैं उनकी खून वगैरह की जांचें होती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की जांचों में किस तरह की छूट आपके द्वारा अपने हॉस्पिटल की तरफ से दिलवाई जाती है? देखिए, ये है ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पेशेंट 90% अपनी मर्जी से चलते हैं, यहाँ डॉक्टर को फॉलो नहीं किया जाता। पेशेंट 90% अपनी मर्जी से टेस्ट बाहर से करा कर लाते हैं, और जो पेशेंट हमारी बात मान लेते हैं हम उनको 50% डिस्काउंट देते हैं। डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ गायनी, जर्नल, ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस बेस पे ही हमारे यहाँ काम किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है और आगे और गर्मी बढ़ने की संभावना है, ऐसे में किस तरह के रोग बढ़ने की संभावना है और उनसे बचाव और इलाज किस तरह का होना चाहिए? देखिए, गर्मी के मौसम में अधिकतर लोगों को पानी की कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पेड़ बूटे के नीचे लोग बैठ के अपना टाइम काटते हैं, लेकिन फिर भी रिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा रहती है। इस कंडीशन में ज़्यादातर लोगों को ORS का यूज़ करना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, और समय से काम करके घर में रेस्ट करना चाहिए। और घरेलू चीज़ों में नींबू पानी है, सिकंजी है, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल से ORS वगैरह लेके यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर रिहाइड्रेशन ना हो। डॉक्टर साहब, जो बच्चे 1 माह से 8-9 माह तक के हैं, उन बच्चों की माताओं को इस गर्मी के मौसम में किस तरह के आहार इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि बच्चों को स्वास्थ्य बेहतर हो?
देखिए, जिन माओं के बच्चे छोटे होते हैं उन माओं को अधिकतर ये याद रखना चाहिए कि उनकी बॉडी में अमीनो एसिड जिनसिंग की कमी ना हो, जिसकी वजह से उनको फीडिंग करने से कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चे का पेट अच्छे से भर सके। उसके लिए उन माओं को बैड फ्रूट, ड्राई फ्रूट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और घरेलू चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। जैसे सुबह के नाश्ते में साबूदाने की खीर है, दलिया है, हरी साग सब्ज़ी हैं, इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ करना चाहिए। और ड्राई फ्रूट में खजूर, अंजीर, पालक पनीर और दूध का सेवन अधिक करना चाहिए, जिससे आपको फीडिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, जो महिलाएं गर्भ से हैं उन महिलाओं को इस गर्मी के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे कि उनके गर्भ में बच्चे को बेहतर ग़िज़ा मिल सके? देखिए, जिन माओं के बच्चे पेट में पल रहे हैं यानी प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उन माओं को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बैड फ्रूट थोड़ा कम करके, क्योंकि बैड फ्रूट में क्या होता है, बच्चे का लाइकर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार बच्चा मूवमेंट अधिक करने की वजह से बच्चा उल्टा भी हो जाता है। अगर आप ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे तो आपका जो लाइकर है वो मेंटेन रहेगा और आपका बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब ड्राई फ्रूट में आप ज़्यादातर खजूर या अंजीर, पालक पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई एहतियात की ज़रूरत है? इसके अलावा आप बार बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बीपी आपका मेंटेन रहना चाहिए, आपकी बॉडी में पीसी भी डाउन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।